गाइस, ये गुलक अभी हम तोड़ने लगे। इस गुलक का एक फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि ये गुलक बिल्कुल मुफ्त में बनाया, इस पे एक रुपया भी खर्चा नहीं आया। जैसे आप देख रहे हैं, ये घी का एक डब्बा मैंने लिया था और उसमें यहाँ पे ये निशान कर दिया था, सुराख कर दिया था पैसे डालने के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस पे कोई ख़र्चा नहीं होता। आमतौर पे हम ये करते हैं कि एक तो हम पैसे जमा करने का सोचते हैं और उसके बाद हमें ये करना पड़ता है कि हम एक गुल्लक लेने जाते हैं। गुल्लक लेने के लिए छोटी गुल्लक भी 10-20 रुपए की मिलती है। अगर बड़ी गुल्लक हम लेते हैं, अच्छी गुल्लक डिज़ाइन वाली लेते हैं, तो 50-100 रुपये वो हमारे उसमें खर्चा आ जाता है, ठीक है। और वो पैसे हमारे किसी काम के भी कल को नहीं होते, क्योंकि गुल्लक तो हमें बहरहाल तोड़नी तोड़नी होती है, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारे पैसे डाले, अभी इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए हम ये छेनी लेके आए हैं और ये हथौड़ी है, ये काफ़ी खूबसूरत हथौड़ी है, आपको अच्छी लगेगी। मुझे तो ये हथौड़ी बहुत पसंद आई, डिज़ाइन देखे हथौड़ी कितना अच्छा है, ठीक है जी। तो ये अभी हम तोड़ने लगे हैं। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, पैसे इसमें ज्यादा हो गए तो अभी इसको तोड़ने लगे हैं। अभी ये इसमें इतना सुराख हो गया है कि ये सिक्के इसमें निकल सकते हैं। और इसको अभी मैं क्या करूंगा, इसको पूरा मैं खोल दूंगा बाद में। इसको खोल के ये हमारे डब्बे के तौर पे घर में काम भी आ जाएगा। तो अभी हम इसमें से गिरा रहे हैं, देखना कितने सारे सिक्के निकलते हैं। गाइस, अभी ये कॉइन्स हमने जमा किए हैं यहाँ पे, जो इस हमारी गुल्लक से निकले हैं। अब इसमें ये 3 रोज आप देख रहे हैं, लास्ट रो में ये जो 2 पिलर बने हुए हैं, ये 1 रुपये वाले सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। ये 2 रुपये वाले कॉइन्स हैं, ये 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो है वो फ्रंट वाली रो है, ये 2 कॉइन्स हैं 10 रुपये वाले। बिल्कुल ये आमतौर पे मार्केट में नहीं होते। और ये और सबसे ज़्यादा अहम जो मेरा सबसे प्यारा कॉइन है, ये 1 पैसे का कॉइन है जी, 1 पैसा। ये देखें,